बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। आप देख रहे हैं और मैं हूं आसिफान, और बात आज हम करेंगे। मिर्ज़ा हक ने एक स्टेटमेंट दिया है आज ही नेशनल स्टेडियम में, वो बात कर रहे थे। वो पाकिस्तान की वेटरन टीम की कप्तान भी है मिर्ज़ा हक, तो वो मैं वेटरन टीम का मैच था उसके हवाले से वो मौजूद थे नेशनल स्टेडियम में। तो उनसे सहाफ़ियों ने गुफ्तगू की और सहाफ़ियों ने उनसे पूछे बहुत सारे सवाल, जिसमें से एक बात थी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स के हवाले से कि क्या आपका इसमें इनपुट था, क्या ये प्लेयर्स इसमें नहीं होने चाहिए थे। टेस्ट मैचेस, वनडे और T20 के लड़कों को एक साथ शामिल कर लिया है, तो टेस्ट मैचेस के जो परफॉर्मर्स हैं उनको निकाल दिया गया है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से, तो आप क्या कहते हैं। तो मिर्ज़ा ने जवाब ये दिया कि मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, मेरे भी तहफ़ात हैं, ये शायद पिछली मैनेजमेंट ने बनाए होंगे तो इस मैनेजमेंट ने उनको ऐसे अप्रूव कर दिया। मिर्ज़ा ने क्या कहा वो सुनिए आप। ये सवाल था हुज़ैफ़ा ख़ान का, जो कराची के रिपोर्टर हैं समा टीवी के, तो ये वीडियो कर्टसी हुज़ैफ़ा ख़ान के ज़रिए मैंने हासिल की है। तो पहले वो वीडियो में जवाब सुनिए मिर्ज़ा उल हक का, फिर बात करते हैं। तनकीद भी हो रही है, नसीम शाह तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, उनको ए कैटेगरी दी गई, साबिक कप्तान को डी कैटेगरी मिल गई, तो आपका इनपुट था नहीं था, अबरार को कोई कैटेगरी दी गई, और क्या इसमें तब्दीली आएगी नहीं आएगी? नहीं, मेरे भी तहफ़ात हैं इस चीज़ पे, ये पहले से जो मेरे ख्याल में डिसाइडेड था, शायद प्रीवियसली उन्होंने किया था टीम मैनेजमेंट के साथ मिलके, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हमारी समझ में नहीं आ रही हैं और हमारा कोई इनपुट नहीं है। ऑब्वियसली मेरे से अगर आप पूछेंगे तो मैं ज़रूर बताऊँगा उनको कि ये चीज़ें नहीं, कि आपके परमानेंट मेम्बर्स हैं सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मेट में जो लोग, वो कैसे आपके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं हो सकते, तो ये चीज़ें देखने की ज़रूरत है। एंड ऑब्वियसली हफीज़ ने भी टीम के हवाले से भी पहले क्लियर किया है कि टीम भी ये बेसिकली सिलेक्शन कमेटी और टीम मैनेजमेंट की टीम है, तो उन्होंने उनको पूरी सपोर्ट किया है चेयरमैन साहब ने इस चीज़ पे, तो मेरे ख्याल में मेरा जवाब भी वही देंगे अगर कुछ 19-20 होगा। तो ये था मिर्ज़ा उल हक का दो टोक अंदाज, और ये खबर मैं पहले दे चुका हूँ कि मिकी आर्थर, जाकिर खान और एक और साहब हैं हारून रशीद, इन तीनों ने मिलकर ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बनाए थे, और ये पिछली मैनेजमेंट का हिस्सा थे। हारून रशीद तो पिछली मैनेजमेंट का हिस्सा थे, तो उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट बनाए थे, और ये वाली मैनेजमेंट ने एज़ इट इज़ खिलाड़ियों से गुफ्तगू करने के बाद जो थोड़ा बहुत मामला रह गया था वो हल करने के बाद सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे दिए गए थे। अब मिर्ज़ा उल हक एंड PCB ये दोनों एक पेज पर नहीं है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, कम अज़ कम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम बात करें तो। पर ये थी मिर्ज़ा उल हक की बात। अब आप इसमें क्या राय रखते हैं आप कमेंट बॉक्स में बताइए, आप फ्रेड को सब्सक्राइब भी कीजिए आप पसंद करते हैं तो। खुदा हाफिज़।